फाइनली गाइस वी आर हियर क्लॉक टावर वोरा। माजी कैसा लग रहा है भाई? देखो यार बच्चे कैसे साइकिल्स में घूम रहे हैं, और यही होती है कैंपस लाइफ, आप साइकिल में पूरे टाइम घूमते रहते हो इधर से उधर उधर से इधर। फर्स्ट डे इन बिच पिलानी, माय सेमेस्टर स्टार्ट्स है भाभी। ऐसी मैं तुझे देखना आऊँगा, कितने सारे पेरेंट्स आए हुए हैं, सब अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। तो हमारा कौन सा है इसमें? अब मेन गेट, सेंट्रल वर्कशॉप, FD, तेरा कौन सा इसमें? मैनेजमेंट वाला तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे, किसी बच्चे से पूछा, उनसे पूछ क्या वैसे की बात कर रहे हैं, सब इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं। पता नहीं भाई, अरे कॉम्प्लेक्स दे रहे तो। हाँ भाई, तो भाई हमें बोलनी पड़ेगी क्या ब्रो? ये असली नहीं सारे नहीं भाई, अरे सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं यार, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार, मैं तो अपनी मातृभाषा भूल गया, इंग्लिश चक्कर है। अरे भाई ऑटो वाले भैया रुको, सब इंग्लिश में बातें कर रहे हैं यार। हाँ मुझे भी थोड़ी रिवाइज करनी पड़ेगी तेरे चक्कर में। हेलो, गो राइट टेक लेफ्ट। आप हिंदी बोल रहे हैं? चलो 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 आ जाओ आ जाओ। अरे माजी सोच रही इसको नहीं आती, अरे माजी आती है, आती है माजी, आती है मुझे आती है। आई गेट इंग्लिश गुड, नो आई इंग्लिश गुड नो। माजी सोच रही इसको इंग्लिश दी आती यार, बेइज्जती सी हो गई। स्टेट जाने को बोल। हाँ पता नहीं, सामान लाएगा, छाता भी रखना पड़ेगा, छाता बचेगा नहीं बचेगा तेरा, जैसे तू कह रहा है चोरी हो जाती चीजें। चोरी हो जाती है भाई? वो भाई हॉस्टल में होती है वे यार, सब सारी हॉस्टल वाली मूवीज। हाँ किसी एक अच्छा चुरा लेते हैं। अब वो तो साबुन पेस्ट तो कोई भी चुरा लेता है, वो तो दोस्त को समझ के ले जाते लोग। गोल्ड मेडलिस्ट सारे, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, आई थिंक ये क्लासेस है भाई, ये क्लासेस है, ये लैब्स है, लैब्स है। वाओ अपने पुराने कॉलेज के दिन याद आ गए मुझे, स्कूल के दिन। वैसे तो मैंने सारे लैब्स, आप तो 11 12th में करता ना साइंस के, उसमें यहाँ पर सारे लैब्स है। फिर तेरी इंजीनियरिंग में तुम लैब्स एक्सेस करते थे? हाँ क्यों नहीं, ज़्यादा है कम? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल में लैब ही लैब होती है। अच्छा HR सेक्शन, सेंट्रलाइज परचेज यूनिट। कितना बढ़िया है भाई, बीच में ऐसा है ग्राउंड बैठने का, ग्रेट मैन, नाइस लाइफ, नाइस कॉलेज। चलो भाई, माजी चल लोगे? चलो चलो BIPS पिलानी, याहू इको हो रही है, देखो आवाज आ रही है, आ रही ना आवाज? हेलो हेलो, वी आर फ्रॉम दिल्ली भाई। अरे रूट जा रहा नीचे, रूट जा रहा सामने सरस्वती मंदिर है, बता पवी पॉपी, सामने सरस्वती मंदिर है और वहीं जा रहा है, हम उस तरफ ही चल रहे हैं अभी तो, मैनेजमेंट वाली बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं हम फिलहाल। बहुत बड़ा कैंपस है भाई, मैंने सोचा था DTU ज़्यादा बड़ा है, बट ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है, जैसे 328 एकर्स ना। और अपना DTU अपना रोहिणी वाला इस 160 के अराउंड, कुछ 168 या 160, तो देयर इज अ पूरा डबल का डिफरेंस हो गया एक तरह से देखा जाए तो, डबल ही हो गया है। मंदिर भी है सामने, हाँ मंदिर है सरस्वती मंदिर, और भाई ग्रीनरी भी एक नंबर है, फुल पावर। तो अभी हम चल रहे हैं, चलो तुम्हें पूरा एक्सपीरियंस देता हूँ बिट्स पिलानी का, और अगर पवी लेता है मतलब मन मनाता है क्योंकि ही सिलेक्टेड, तो यहीं पर भाई फिर ब्लॉग बनाएंगे, ऐश करेंगे। और बताओ लास्ट रूम देख लो भाई, वो है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पर जो स्कॉलर्स हमने उनसे पूछा था तो यहाँ पर कह रहे कि ऊपर चले जाओ, ऊपर हॉस्टल्स हैं, तो वह देख के आते हैं। फिर टोकन लेके तो खा सकते हैं मैच में भाई, चलो भाई हम टपरी में आ गए, बट टीटी हरी इनसे पूछो कि मैनेजमेंट वाले ऐसे पूछा भी शायद, वो भाई वो बिजी लग रहा है भाई, सब बच्चे पढ़ रहे हैं यार इधर तो। तुम्हारे लिए मैच ढूंढे तुम्हारे भाई ने, सेल्फ सर्विस, दो गज की दूरी, मास्क जरूरी, हर जगह हाँ सब पतले पतले भाई, वो देख साइकिलों के झुंड लगे हैं उधर,
डीटीयू का बिल्कुल डीटीयू जैसी फीलिंग है, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल डीटीयू जैसी वाइब है। मेन कैंपस वाली बिल्कुल वही वाइब है यहाँ पर, बट थोड़ा यहाँ ना गर्मी बहुत है। दुनिया में एक शक्ल के 9 बंदे हैं भैया कह रहे, ये तुम तो आते रहते हो, भैया कह रहे तुम तो आते रहते हो, तुम तो फोर्थ ईयर में बीटेक के हो भाई, आप जैसे 7-8 निकल चुके 50 साल में एकदम है भाई, इसकी तरह कोई फोर्थ ईयर में मिलवा देना भाई, क्या बात है भाई। मैंने भाई मौसमी का जूस लिया है, अबे भाई तेरा डोपर गैंग मिल गया। यहाँ पर आ गए भाई सर सी वी रमन भवन, और वो कह रहे हैं यहाँ पर शायद मैनेजमेंट वाले बच्चे होगा ना हॉस्टल, उन्होंने ये बोला कि मैनेजमेंट वाले बच्चे यहाँ रहते हैं, कुछ मोस्टली यहाँ रहते हैं। अच्छा भाई हॉस्टल के रूम से तुमने देख लिए, ये टॉयलेट है भाई। अच्छा भाई चेंजिंग वेंजिंग का ही होगा। हाँ यार भाई अच्छा यार, ये बिल्कुल आई आई टी उसकी तरह लड़की की तरह, आईआईटी लड़की गए थे यार ना है। हाँ यार थोड़ा बेटर है, अच्छी कंडीशन है। हाँ याद है मुझे भाई, बढ़िया है भाई, अभी आ रहा है भाई, फिर तो तू आ रहा है बच्चे ने भाई, हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है लड़के ने, इसका मैंने तुमको दिखाया तो जा रहे अभी। ये सारे रूम्स हैं हॉस्टल के, ऐसे लाइन से लगे हैं सारे, यहाँ से नीचे दिखता होगा। चलो अभी भाई भाई तुझे कैसा लगा ओवरऑल? बढ़िया लगा भाई हैं, सच बता कोई लड़के नहीं बता दिया, पार्टियाँ वार्टियाँ भी होती हैं, बट यार तू पढ़ियो प्लीज़ यार। पढ़ूंगा यार, ठीक है भाई बिल्कुल, जो मेरा सब जो मेरा सब्जेक्ट से जो मेरा कोर्स था डिट्टो यहीं पर है, बट यहाँ पर थोड़े ना पढ़ाकू लोग, पढ़ाकू बच्चे ज़्यादा, बस ये फ़र्क है। मस्ती वाले काम है, मस्ती वाले तो हम भी नहीं थे यार, हमने बहुत पढ़ा है भाई, पढ़ा तो है मस्ती करी तो नहीं, बट हाँ भाई मस्ती काफ़ी हुई क्योंकि हमारा है तो भाई काम भी तो कर रहा है भाई। भाई मैं इनके सामने नहीं पढ़ता था, केस स्टडी बना रहा था, तो केस स्टडी हम भी मनाते हैं भाई, सुबह सुबह आ जाती है 7 बजे, 11 बजे तक देनी होती है, हल्के में ले रहा है मेरी एमबीए भाई, इनको लग रहा है मैं हलवा करके आया हूँ, मैं बहुत मेहनत करी थी मैंने भी, यहीं से निकल जाओ बाहर से। बस देख लो भाई नीलकंठ मीटिंग कर रहे हैं, ये मीटिंग का सीजन है। अरे मत अलग करो, मत अलग कर यार, भाई शर्म नहीं आती भाई, देखो ला भी रहे हैं अंडे होंगे अब। चलो भाजी अब चलते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, चल रहे हैं भाई। देखो ये ऊपर ऑल द वे ओवर देयर इट्स मैजिक बिट्स पिलानी, थिंक वही लिखा है उधर। मैं कमल रेस्टोरेंट आया था इधर, यहाँ पर पिलानी के अंदर ही है, यहाँ पर काफ़ी बच्चे बैठे हुए थे, तो वी वर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू ईट, तो हमने देखा कि काफ़ी बच्चे बैठे हैं, यहाँ खाना भी अच्छा है, तो हमने ये सब मंगवाया। पहले का तो खा गए हम, बट फिर मुझे अचानक याद आया, अरे वीडियो भी तो बनानी है, तो पनीर बटर, पनीर दो प्याज़ा, पनीर बटर मसाला, शाही पनीर में खा लिया। माजी खाओ यार, सही से खाओ यार, ओफो। तो भाई अभी सब खा रहे थे, पवी ने तो खा लिया, पवी डालेगा ये भाई, जल्दी से खा लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर जो मंदिर है सरस्वती मंदिर, 4 बजे खुलेगा, तो तब तक हम खाना खाने का मेरा फास्ट, तो मैं जल्दी ज़्यादा ज़्यादा खा लेता हूँ, फिर निकलना है दिल्ली के लिए वापस। तो हरिओम, चलो भाई खाने का हो गया काम वाम सब ख़त्म, पेट ऊपर तक भर लिया है, अब थोड़ा स्पोर्ट्स से यार मुझे ग्राउंड देखना है, सबसे पहले बोलूँ मुझे बास्केटबॉल कोर्ट देखना है, मुझे फुटबॉल ग्राउंड देखना है। आ गए भाई अपने सरस्वती मंदिर, या जल्दी से जूते उतारेंगे साइड में भाई, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, गरम गरम है, गरम गरम, आराम आराम से, आराम आराम से, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाजी, आ जाओ भाजी, माँ जी आ जाओ, यस माँ जी आ जाओ। पहुँच गए भाई सरस्वती माता का मंदिर, वीणा वारिनी वरदे वरदे वरदे, माई बड़ा अच्छा हुआ तुमने गाना सुना होगा, वीणा वारिनी वरदे
बीच में जो घनश्याम दास बिरला जी जो पूरे बिरला उनके फाउंडर है, कार्विंग देखो क्या बढ़िया कार्विंग करी है, पीछे क्लॉक टावर है, तो बिल्कुल ये सिदाई में है अगर तुम लोग देखोगे। लो भाई देख लो, एंटरिंग द मेन एरिया ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड एंटरिंग द मेन एरिया ऑफ द कॉलेज, बास्केटबॉल कोर्ट। ओ भाई साहब, भाई वाह रोल हो रही है भाई, भाई मेंटेन कर रहे हैं अभी। DTU में इनके हमने मतलब मिट्टी बिछा रखी है, थाली मिट्टी में खेलते हैं फुटबॉल हम लोग। वाह यार भाई सिंथेटिक कोर्ट है यार। भाई लोग एक बात बोलूँगा, इस कड़ी धूप के हिसाब से जो ग्रास है यहाँ पर आए ना, बीच में थोड़े बहुत पैचेज हैं, बट भाई ये जो ग्रास है भाई ये बहुत प्यारी ग्रास है ना भाभी। और भाई वहाँ पर देखो, वहाँ रोलिंग हो रही है, वहाँ ग्रास कटिंग हो रही है, वहाँ पर हॉकी ग्राउंड में फाउंटेन चल रहे हैं यार। यार इसके अंदर कैसे जाऊँ, बहुत बढ़िया ग्रास है, बहुत बढ़िया। बट थोड़ा आई थिंक वो एरिया इसका छोटा कर रखा है, और साइड में भी अलग अलग छोटे छोटे पोस्ट लगा रखे हैं 7v7 8v8 के। भाई भाई यहाँ पर भी है कॉमन गोल खेलने के लिए, देख रहे प्रैक्टिस वाला होगा, और एक बार ही वो देख के आते हैं बास्केटबॉल कोर्ट में आते हैं, बट घुसेंगे कैसे हम भाई। लेब्रॉन जेम्स आ गए, स्टीफन करी आ गए, हाँ हाँ ओहो पीयर प्रेशर। अमोन तिग्गा, तिग्गा नहीं गया यार, अंदर से तो मान लेते एक बारी, फील आ गई अब भाई, चल तिग्गा मार दे एक बारी, तेरी लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली है यार, चल ओहो आए। चलो भाई इसी के साथ निकलते हैं यहाँ से, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। पवी भाई बॉल देने जा रहे हैं वापस, मैं इधर ही ब्लॉग कंक्लूड करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड यार अच्छे लगे तो लाइक करे बिना मत जाना, ज्वाइन द फैमिली। और अभी नए आए हो चैनल पे तो यार यू हैव टू मच टू सी एंड टू मच टू एक्सप्लोर इन माई चैनल, तो जाओ जाकर देखो। बंद कर दिया यहाँ पर मैंने अच्छे बच्चे की तरह, और थैंक यू सो मच जो भैया थे उन्होंने हमें बॉल दे दी थी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो भाई चलो चलते हैं, एंड यस वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस।